सर आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं, वहीं राजधानी पटना की यदि हम बात करें तो जो निचली इलाका है वो भी बाढ़ के जैसा स्थिति उत्पन्न हो चुका है। अभी हम नाला रोड स्थित हैं और यहाँ पर लगभग 5 से 6 फीट जो है पानी है, जल जमाव है और यहाँ लोग जो है वो फंस चुके हैं। देखिए लोग किस तरीके से छतों पर अब रहने को मजबूर हो चुके हैं। सरकार की यदि हम बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो लोगों का कहना है कि उनके तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हैं, एनडीआरएफ की टीम से गुहार लगाई जाती है पर वो मदद नहीं करते। अब देखिए किस तरीके से अपने ही घर में मानो जेल में कैद हो गए हैं, क्योंकि घर से निकल नहीं सकते, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। ऐसे में राहत सामग्री जो है पहुँचाना है तो या तो एक ही व्यक्ति उभर कर सामने आया है, वो उसका नाम पप्पू यादव है, और उसके बाद जो भी सामाजिक कामों में जुड़े हैं वो अब यहाँ पर जो बेसिक नीड्स के जो सामान है जैसे दूध पानी, यहाँ का भी दृश्य आप देखाइए, एक ट्रैक्टर जो है नाला रोड में राहत पहुँचाने लोगों को आ रहा था, उनसे हमने मदद की गुहार लगाई कि हमें भी अंदर का दृश्य कैप्चर करना है, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने अपने ट्रैक्टर पर हमें बैठाया है। और यहाँ का दृश्य हम आपको दिखा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं छतों पर हैं। हालांकि मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि बिहार के कई जिलों में फिर भारी वर्षा होने की आशंका है। ऐसे में एक प्रश्न तो ज़रूर उठता है कि जहां स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं वहीं पर एक दृश्य बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिलता है, जहां पर महज 3 दिन के बारिश में हर किसी लोगों का खुला रह जाता है, क्योंकि राजधानी पटना में मेट्रो चलने की बात होती है, स्मार्ट सिटी की बात होती है, वहाँ 5 से 6 फीट पानी में। देखे यूथ जो है, सर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर पीछे से, आगे प्रेमचंद नंबर से, लोग प्रेमचंद गोल नंबर के पास गए थे, वहाँ पर इतना पानी, मतलब हम लोग डूब जा रहे हैं, गले तक 6 से 7 फीट तक पानी है, बहुत पानी है, बहुत पानी है। एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो? चलो, हमारा घर में पूरा इतना पानी घुसा हुआ भैया। अच्छा, रोड पर समय काट रहे हैं, यहीं पर झोपड़ी है, पूरा पानी घुस गया, सारा सामान खत्म हो। सरकार की तरफ से कोई मदद पहुंचाई जा रही है? कहाँ कोई चीज मिल रहा, कहीं कभी बिस्कुट है, कभी कुछ हो, कभी चूड़ा है। अच्छा, कोई मदद कहे तो भैया जी कि कोई बिस्कुट दे के जाता है एक पैकेट, तो कोई एगो रोटी दे के जाता है, कोई एगो बोतल दे के जाता है, आप 5 गो परिवार एगो बोतल में आप बिस्कुट का क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए यहीं पर झोपड़ी में रहता ना, पानी घुसा हुआ, घर में घुस नहीं सकते हैं बाल बच्चा। एनडीआरएफ की टीम घूम रही है, आप लोगों की मदद कर रही है? आ रहा जो जिसको जितना थकान होता अपना कर रहा है। आप यहीं रहते हैं? जी सर। सरकार की तरफ से मदद पहुँचाई जा रही है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, जो यही लोग घूम घूम कर बांट रहे हैं, इसी से जो बिस्कुट पानी यही सब मिल रहा है। अच्छा, अभी नाश्ता मिला है। एनडीआरएफ की टीम घूम रही है बोट लेके, ये कितना मदद पहुंचा रही है? वो तो किसी को ले भी नहीं जा रहा है, कोई कहता है कि थोड़ा इधर से उधर छोड़ दीजिए तो वो भी नहीं करता। जो नेता और नगर निगम ये बात बोलकर अपना पीठ थपथपा लेते थे कि बारिश होती और महज 1 घंटे में बारिश का पानी जो है, जल जमाव जो है, वैसी समस्या 1 घंटे में खत्म हो जाती है, पानी निकल जाता है, तो लगभग कल बारिश नहीं हुई थी और आज भी बारिश नहीं हुई है, रात में भी बारिश नहीं हुई थी, तो अब तक पानी क्यों नहीं निकला, ये एक प्रश्न है। नगर निगम अपना पीठ तो यह बोलकर जरूर थपथपा लेती है, मगर जो दृश्य सामने हैं वो आपके भी सामने हैं और लाइव सिटी तमाम दृश्य लगातार आपको दिखा रही है, तमाम दृश्य अपडेट करा रही है, चाहे हम कंकड़बाग की बात करें, चाहे राजेंद्र नगर की बात करें, या फिर हम बात करें नाला रोड की। देखिए ये रिक्शा जो है लगभग डूब सा गया है और ये रिक्शा जो है लगभग 4 फीट पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में लोग जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरा पटना पानी पानी हो चुका है। घरों की यदि बात करें तो लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाकर कहीं ना कहीं निकल पड़े हैं। देखिए ये घर पूरा खाली है, यहाँ लगभग 4 से 5 फीट पानी होगा, ये घर में पूरा डूब चुका है घर, तो यहाँ के लोग जो हैं इनसे हम बात करते हैं। आगे क्यों नहीं जा रहे आप? पानी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। अभी लगभग कितने फीट पानी में है? हम लोग 4 फीट में, 4 फीट पानी में है। जी हाँ, आगे पानी और भी बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा पानी का। हाँ, चलिए इनसे ही हमने गुहार लगाई थी और इन्होंने हमें अपने ट्रैक्टर पर बैठाया, महिला है जो कि रिक्शे का सहारा लेकर, और रिक्शा भी लगभग डूब चुका है। सरकार की तरफ से कोई मदद पहुंचाया जा रहा है? बहुत मदद पहुंच रही है, कोई कमी नहीं है, हम लोगों के पास अच्छी खासी मदद पहुंची है। चलिए
महिलाएं जो हैं जो यहीं रहती हैं उनका कहना है कि मदद तो पहुंचाई जा रही है, पर वहीं कुछ लोग का यह भी कहना है कि अब तक जो सामाजिक कामों में जुड़े हैं वही मदद पहुंचा रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ पहुंचाया नहीं जा रहा है। यहाँ का भी दृश्य देखिए, ये लोग भी जो हैं जो बेसिक नीड्स के जो सामान होते हैं जैसे बिस्किट, छोटे बच्चों के लिए दूध और ये पूरी सब्जी जो है ये लोग, और वाटर बोतल जो है पानी का ये भी पहुंचा रही है। तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खुद पानी में कूद पड़े हैं। ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं सरकार की भी आंखें खुलनी चाहिए, जहां पर ये लोग जिन्हें ना वोट से वोट का फ़ायदा है और ना ही इन्हें चुनाव लड़ना है, ये जब मदद पहुँचा सकते हैं और सरकार जिन पर आस है, जिन नेताओं पर इन्होंने विश्वास जताया था, तो वहीं पर सभी के सभी नदारत नजर आ रहे हैं। विपक्ष की यदि बात करें तो उनके भी खेमे में सन्नाटा है। तेज तेजस्वी यादव की यदि हम बात करें तो अब तक वो पटना के इस भयावह दृश्य में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हम तमाम दृश्य आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।